बाद बड़ी खबर के साथ करेंगे जो कि इंदौर से है। यहां पर घर बिकाऊ पोस्टर मामले में सीएम की बैठक के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। इलाके में स्ट्रीट लाइट और कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि निगरानी कर सके। अधिकारियों ने रहवासियों से भी बातचीत की है, जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिलाया है। तो बड़ा अपडेट इंदौर के घर बिकाऊ पोस्टर मामले में हम आपको दे दें। यहां पर सीएम की बैठक के बाद अब प्रशासन हरकत में आ गया है। इलाके में स्ट्रीट लाइट और कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी गतिविधियों पर निगरानी कर सके, नजर बनाए रखे। सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं और जल्द से जल्द कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। निकलकर सामने आया था और जिसमें साफ तौर पर देखा गया था कि कहीं ना कहीं पर जो घर जो लोग हैं वो अपना घर बेचकर यहाँ से जाना चाहते हैं, यानी कि पलायन करना चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये ड्रग्स और उसके साथ ही जो नशा का कारोबार है उसकी बात कही गई थी। लेकिन देर होते होते शाम होते होते इसमें एक नया एंगल आ गया है और इसमें लफ्जियात की भी एक बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। तो मैं उससे पहले उस कॉलोनी मौजूद हूँ EWS की, जहाँ पर जो मौजूद हूँ, जहाँ पर तस्वीर आप साफ तौर पर देखिए किस प्रकार से जो महिलाएं हैं और उसके साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर कल DCP आदित्य मिश्रा आए थे और उसके बाद उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और साथ ही तमाम जो अधिकारियों ने निर्देशित किया था। और उसके बाद कहीं ना कहीं पर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उसके साथ ही जो गृहमंत्री है उनके बात संज्ञान में गई थी और उसके बाद इस पूरे मामले पर हाई लेवल मीटिंग की गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं पर प्रशासन जागा और उसके बाद अब अल सुबह यहाँ पर जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है, पुलिस प्रशासन उसके साथ ही जिला प्रशासन नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची और उसके साथ ही यहाँ पर CCTV कैमरे और उसके साथ लाइट की व्यवस्था कराने की यहाँ पर जो तैयारी है वो की जा रही है। तो यहाँ पर जो क्रेन लेकर यहाँ पर जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची और उसके तमाम जो व्यवस्थाएं वो यहाँ पर सुचारू रूप से करने के यहाँ पर जो तमाम जो अधिकारी वो बात भी कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद संज्ञान लिया था और उसमें स्पष्ट कहा था कि किसी भी जो बदमाश उसे बख्शा नहीं जाएगा या छोड़ा नहीं जाएगा। तो कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार की समस्या है आप लोगों की? यही है, गंदीवाड़ा है, लाइट नहीं चालू है और जो देखो जो गाली बकता है कोई वो ही नहीं है यहाँ पे देख रेख की। लफ्ज जिहाद की बात भी कही, यहाँ पे सुरक्षित इंसान नहीं है। ऐसा मारने की धमकी भी दी जाती है। जिस प्रकार से मारने की धमकी भी यहाँ पर लोगों को दी जा रही है और उसमें साफ तौर पर देखा गया था कि जिस प्रकार जो पोस्टर लगे थे और उसमें ये बात कही गई थी कि मेरा घर बिकाऊ है और सबसे बड़ी बात है कि हमें पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। किस प्रकार की आपकी परेशानियां हैं? गुंडागर्दी, गाली गलौज और ड्रग्स और गांजा वगैरह पीते हैं, गंदगी फैलाते हैं, आए दिन झगड़े होते हैं, हम सारे व्यक्ति इसी चीज से परेशान है। इंदौर घर बिकाऊ पोस्टर वाले मामले में अब एक नया खुलासा सामने आया है। लव जिहाद के बढ़ते मामलों से परेशान होकर लोग पलायन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ हिंदू युवतियों को टारगेट किया जा रहा है, साथ ही शिकायत करने वालों की हत्या की धमकी उनको दी जा रही है और रहवासियों ने डर के कारण लोगों से शिकायत नहीं कर पा रहे। वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर अब कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। वहीं भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पोस्टर मामले में इंदौर की कानून व्यवस्था को लेकर भी बैठक की गई। साथ ही सीएम ने गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई करने के नकेल कसने के निर्देश दिए। साथ ही साथ प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि गुंडे संभल जाएं नहीं तो संभाल दिए जाएंगे। वहां पर मैं कल ही इंदौर से आया हूं, इस विषय में विस्तार से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है 10 बजे और 10 बजे इस विषय पर विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चर्चा करने वाले हैं। वहां पर कुछ बदमाशों की जानकारी आई थी, वहां पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। वहां अंधेरा और सफाई की समस्या थी, उसके लिए नगर निगम को माननीय मुख्यमंत्री जी हिदायत करने वाले ही हैं। और ये स्पष्ट रूप से मैं कह दूं कि वो जो लोग भी हैं या बदमाश हैं जिनसे उन्हें डर है, उन गुंडों को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि इस तरह की शिकायत अगर दोबारा आई तो बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। संभल जाए नहीं, संभाल दिए जाएंगे।